दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे एंड्रॉयड के कुछ फैक्ट शेयर करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, ये बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। हो सकता है आप जो फ़ोन पकड़े हों वो भी एंड्रॉयड फ़ोन हो। आज सारी स्मार्टफोन कंपनीज इसको यूज़ में लेती हैं, एप्पल को छोड़कर। तो चलिए जानते हैं क्या है वो 10 फैक्ट्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गूगल ने एंड्रॉयड को नहीं बनाया था। 2003 में इसको एंडी रूबिन, रिच माइनर, निक सर्स और क्रिस वाइट ने बनाया था। फिर इसको गूगल ने 2005 में खरीद लिया था। दोस्तों, HTC ड्रीम वो पहला फ़ोन था जिसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। ये 2008 अक्टूबर में रिलीज़ हुआ था और ये एंड्रॉयड 1.0 पे काम करता था, जो कि 1.6 तक अपग्रेडेबल था। दोस्तों, एंड्रॉयड शुरुआती तौर पर फ़ोन्स के लिए नहीं बल्कि डिजिटल कैमरास के लिए बनाया गया था, पर गूगल ने देखा कि ये सिस्टम फ़ोन्स में काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है और फिर इसे फ़ोन्स में लॉन्च कर दिया गया था और ये बहुत ही सक्सेसफुल भी हुआ था। दोस्तों, एंड्रॉयड वर्जन सारे स्वीट और डेजर्ट के नाम पे बनाए जाते हैं। ये अल्फ़ाबेटिकली रिलीज़ होते हैं। सिर्फ एंड्रॉयड 1.0 और 1.1 का नाम स्वीट और डेजर्ट के नाम पे नहीं है। आप नीचे दिए गए सारे एंड्रॉयड वर्जन के नाम पढ़ सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है एंड्रॉयड ओपन सोर्स है। इसका मतलब कि आप बिना किसी परमिशन के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड के साथ छेड़छाड़ करके उसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। गूगल इसके लिए कोई पेमेंट नहीं लेता है। दोस्तों, एंड्रॉयड अब 1 अरब से भी ज़्यादा लोग 190 कंट्रीज़ में यूज़ करते हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से एंड्रॉयड से रोज़ 10 लाख लोग जुड़ते हैं। ये बात गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने एक कॉन्फ्रेंस में बताई थी। दोस्तों, गूगल ने अपनी IO कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई थी कि कॉटलिन अब एंड्रॉयड डेवलपमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है। तो वक्त आ चुका है कि आप जावा को भूल के कॉटलिन में प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर दें। दोस्तों, गूगल अब एक नया वर्जन ला रहा है एंड्रॉयड का। इसमें गूगल डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए काफ़ी सस्ते और चीप फोन्स लाएगा, जिसमें ऐप्स बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे काफ़ी कम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स पे भी। दोस्तों, एंड्रॉयड ओ गूगल की तरफ से सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें गूगल ने काफ़ी यूजलेस फीचर्स को हटा के काफ़ी अच्छे और यूजफुल फीचर्स ऐड किए हैं। आप उनका जस्ट नीचे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो गूगल ने एंड्रॉयड को ओपन सोर्स कर रखा है, पर क्या आप जानते हैं फिर भी एंड्रॉयड गूगल का एकमात्र बहुत बड़ा सहारा है पैसे कमाने के लिए।